सज्जा आप देख रहे हैं, उसका जो ड्रेसेस हैं, जितने भी ड्रेस और प्रॉप्स हैं, वो जो मुझे मिले हैं मगनलाल ड्रेस वाला जुहू से, जुहू की तरफ से मिले हैं। उन्होंने बहुत सहायता की मेरे लिए और नौ दुर्गा के लिए, नौ तरह के उन्होंने मुझे कपड़े दिए थे। बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं उनके पास, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, मेंटेन किए हुए हैं। और जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये एक से एक ज्वेलरी है शानवी क्रिएशन, श्रुति जी की तरफ से, श्रुति शाह की तरफ से, जिनका मोक्ष प्लाजा बोरीवली में बहुत सुंदर स्टोर है। जिसको भी चाहिए, बहुत ही सुंदर हैवी ज्वेलरी भी है, लाइट ज्वेलरी भी है, जैसी ज्वेलरी आपको चाहिए वैसी आपको वहां से मिल जाएगी, शानवी क्रिएशन श्रुति शाह की तरफ से और मगनलाल। और हेयर की सज्जा की है रीमा ने। आपने इनको मेरे साथ कई बार देखा होगा, हमारे कई लुक क्रिएट। शैलपुत्री, शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की बेटी। मैं पर्वत की बेटी हूँ और नवदुर्गा का ये प्रथम अवतार है। मुझे चांद बहुत प्रिय है, मैं चांद की तरह शीतल हूँ। मुझे गढ़हल का फूल बहुत प्रिय है और मेरा प्रिय रंग है नारंगी। मैं ब्रह्मचारिणी, ये मेरा दूसरा अवतार है। जब नौ दुर्गाएं आई थी उनका ये मेरा दूसरा अवतार है। मुझे पसंद है सफ़ेद रंग, सफ़ेद फूल, लेकिन फूलों में एक और फूल पसंद है गुलदाउदी, और मेरा प्रिय ग्रह है मंगल। अब सबको अगर मंगल करना है तो मेरी मंगल कामना करनी पड़ेगी। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। जब मैंने शिव जी की तपस्या की तब कहीं जाकर मुझे शिव प्राप्त हुए। अगर आप भी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी सबको यही शिक्षा देता है कि तपस्या कीजिए और फल पाए। मैं चंद्रघंटा, मैं नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप हूँ और मैं अपने पूर्ण अवतार में हूँ। तपस्या के बाद मुझे सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। मेरा प्रिय फूल है कमल, मेरा प्रिय रंग है लाल और मेरा ग्रह है शुक्र। अगर आप अपना शुक्र सही करना चाहते हैं तो मेरा आशीर्वाद आप सभी के पास है। मैं चौथा स्वरूप हूँ नौ दुर्गा का। मेरा प्रिय फूल है चमेली, मेरा प्रिय रंग है नीला और मेरा ग्रह है सूर्य। अगर आप अपने सूर्य से प्रताप चाहते हैं तो मेरी आशा कीजिए। मेरे एक हाथ में अमृत कलश है, लेकिन अगर आपने कोई गलती की तो आपका रक्त भी मेरे पास ही आएगा। मैं हूँ कुष्मांडा। मैं स्कंद माता, ये नौ दुर्गा का मेरा पांचवा रूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कंद यानी कि कार्तिकेय मेरी गोद में आ चुका है। अब मैं माता बन चुकी हूँ, सच की माता। मेरा प्रिय फूल है पीला गुलाब, मेरा प्रिय रंग है पीला रंग और मेरा ग्रह है बुध ग्रह। अगर आप अपना बुध सही रखना चाहते हैं तो मुझसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद हो। मैं कात्यायनी, मैं नौ दुर्गा का छठा रूप हूँ। अब तो आप जानते हैं, पांचवें रूप में कंद यानी कि कार्तिकेय मेरी गोद में था, अब मैं माता बन चुकी हूँ। फिर भी मैं अपने सारे कर्तव्य पूरे करती हूँ।
इसीलिए मेरे एक हाथ में तलवार हमेशा रहती है, ताकि कोई भी कोई गलती करे तो उसे उसकी सजा तुरंत मिले। मेरा प्रिय रंग है हरा, मेरा प्रिय फूल है गेंदे का फूल, और मेरा ग्रह है बृहस्पति। नमो नमः। काल रात्रि, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपकी काल रात्रि हूँ। अगर आपने कुछ गलत किया है तो मैं काल रात्रि हूँ। मैं सातवां रूप हूँ नव दुर्गा का। काल रात्रि का अर्थ होता है माता का वो भयावह रूप जो आप कभी देखना नहीं चाहते। काल रात्रि को पसंद है कृष्ण कमल, और उसे पसंद है सलेटी रंग, और उसका ग्रह है शनि। अगर आप अपना शनि सही करना चाहते हैं तो काल रात्रि की पूजा कीजिए। नमो नमः। मैं महागौरी, मैं नव दुर्गा की अष्टमी। आप मुझे देखकर जान ही गए होंगे, गौरी यानी शंकर जी की पत्नी। अब जब गौरी इतनी सुंदर होनी चाहिए, वैसी ही सुंदर मैं लग रही हूँ। मैंने आभूषण जो ग्रहण किए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरा प्रिय फूल है मोगरा, मेरा प्रिय रंग है जामुनी, और मेरा ग्रह है राहु। अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु सही रहे, आप मुझसे प्रार्थना कीजिए। आपका कल्याण हो। मैं सिद्धिदात्री, मैं नव दुर्गा का आखिरी स्वरूप हूँ। सारी सिद्धियाँ मेरे पास आ चुकी हैं, इसीलिए मेरा नाम सिद्धिदात्री है, क्योंकि अब मैं आपको सिद्धि दे सकती हूँ। मेरा पसंदीदा रंग है मोर वाला हरा, मेरा पसंदीदा फूल है चंपा, और मेरा ग्रह है केतु। अगर आप चाहते हैं कि आपका केतु सही रहे, प्रार्थना कीजिए। कल्याण हो। सबसे पहले आप सभी को एकता जैन का बहुत बहुत नमन। और मैंने नव दुर्गा के सारे नौ रूप लिए हैं, और नवरात्रि जैसे अब आने वाली है तो मैंने सोचा कि जितने भी दुर्गा हैं हमारी, नौ की नौ दुर्गा हैं, उन सब का रूप लिया जाए। तो जैसे पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, और जितने भी रूप हैं वैसे मैंने एक एक करके सारे रूप लिए हैं। अब ये जो महागौरी का रूप है, इसके बाद महाकाली का रूप भी आप देखेंगे। महाकाली का रूप मैंने एकदम आखिर में इसलिए रखा, लेकिन वो पहले आता है, लेकिन मैंने उसे आखिर में इसलिए रखा क्योंकि काली के रूप में मुझे पूरा जो मेकअप है वो पूरा काला करना पड़ेगा, तो इसके लिए वापस उसको चेंज करके महागौरी का मेकअप नहीं हो सकता था इसलिए। और मैं माता जी को बहुत मानती हूँ। माता जी का कोई भी रूप हो मुझे बहुत प्रिय है। मैं बहुत शिद्दत से, बहुत बहुत आत्मीयता से उनके जितने भी त्यौहार होते हैं वो मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनकी फेवरेट हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देती हैं माता जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके जितने रूप हैं उनको दर्शाया जाए। तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और उनके रूप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और एक एक रूप के बारे में जो जो जानकारी जो शास्त्रों में लिखी है उस हिसाब से मैंने अपने एक एक रूप उनके डिटेल के साथ मैंने दर्शाने की कोशिश की। तो जैसे महागौरी में जैसे उनके तो चार हाथ हैं, लेकिन जब मेरे दो ही हाथ हैं तो जो उनके जो दो मेन शस्त्र हैं, एक त्रिशूल और एक डमरू, बिकॉज वो गौरी गौरी हैं, गौरा हैं, जो शंकर जी की पत्नी हैं, तो इसलिए एक डमरू उनके हाथ में रहता है और त्रिशूल हमेशा उनके हाथ में रहता है। तो वो भी मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये दर्शाना चाहती हूँ कि हर किसी नारी के अंदर जो नौ दुर्गा हैं उनका रूप होता ही होता है, बस सिर्फ उसे थोड़ा सा उकसाने की और थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है। जब वो जाग जाएगी तब ये महागौरी और काली का रूप लेकर के भी आ सकती है। और जैसे हमने पहले दो रूप देखे, वो शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी भी है, वो जितनी शांत है उतनी शांत भी रह सकती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका कौन सा रूप देखना चाहते हैं। ये पहला तो सेलिब्रेशन मेरा ये हो गया कि जितने रूप हैं मैंने उतने रूप लिए हैं। हर एक दिन
मैं एक एक रूप के बारे में अपने सोशल मीडिया पर और सब चैनल्स पर देती रहूंगी। और उसके बाद गरबा तो खेलना मुझे बहुत पसंद है और डेफिनेटली मैं गरबा खेलने जाऊंगी। मेरे मोस्ट फेवरेट सबसे पहले तो हैं जो ब्रह्मचारिणी जो तपस्या कर रही हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने तपस्या की शिव को पाने के लिए, तो वो तपस्या जब फलित हुई तब जब उनको गौरा का उपाधि मिली, जब वो शिव की पत्नी बन गई, उसके बाद ये जो महागौरी का रूप है, जब महागौरी का जो ग्रुप है रूप है उसमें ये है कि वो माँ बन चुकी हैं, अपने सारे कर्तव्य कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्स के प्रति उनके कर्तव्य हैं वो भी पूरा कर रही हैं। तो ये दोनों साइड हम एक नॉर्मल जो हमारे आज की महिलाएं हैं उनको दर्शाता है कि वो किस तरह से अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती, पूरे समाज को संभालती हैं, उसी तरह का ये एक रूप है। वेब सीरीज़ हैं जो आने वाली हैं और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है जिसके बारे में अभी फ़िलहाल मुझे क्लियरेंस नहीं मिला है कि मैं कुछ बात कर सकूं, तो जैसे ही मुझे क्लियरेंस मिलेगा मैं ज़रूर करूंगी। मैम हो सकता है ये इसको एक ऑडिशन की तरह भी देख सकते हैं जो देखना चाहते हैं वो, और हो सकता है कि कई और माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल और हमारे जो पुराण के हिसाब से अगर कोई कोई सीरियल बन रहा है या कोई वेब सीरीज़ बन रही है या कोई फिल्म बन रही है, आई एम ऑल रेडी फॉर इट। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।